में काम करते हो, कब से कर रहे हो? 3 साल हो गए। तुमको तनख्वाह कितनी मिलती है? 5500 रुपए। तो ये पैसा खाते में डाले जाते हैं क्या? हमारे अकाउंट में। तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे डाले जाते हैं? 8000 रुपए। बाकी पैसे क्या करते हैं आप? सब मानी मर्जी की बात है। ठेकेदार को 2500 रुपए वापस करते हैं हर महीने। तो ये नहीं कहा कि ये तनख्वाह क्यों वापस लेते हो, क्या कहता है वो? करना हो तो करो, नहीं दूसरे लड़के हैं। तो मतलब 2500 रुपए आपसे वापस ले लेता है। ये 3 साल से लगातार हो रहा है। ये आपको ये बात थाने में कहिए, आपकी तरफ से ऑफेंस रजिस्टर्ड होगा उसके खिलाफ। तुमको बिल्कुल नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, तुमको नौकरी पर रखा होगा, यहीं पर इसी के पद पर काम करोगे। ठीक है, डरना नहीं है तुमको। तिवारी साहब, ये तो बड़ा अजीब काम हो रहा है आपकी कंपनियों में। क्या कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है 8000 रुपए और उनके खाते में से 2500 रुपए ठेकेदार लेता है? ये तो बड़ा, ऐसा तो मैंने पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ये तो बड़ा अन्याय है, अत्याचार है। इसके खिलाफ हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे मक्सी सब स्टेशन पे खड़ा हूँ, आप 132 के पे अपने इंजीनियर को भेजिए, एसपी को मैंने बोला है, मेरे सामने तत्काल ये केस रजिस्टर्ड हो। और केस रजिस्टर्ड होकर के ये लड़का निकलेगा नहीं, ड्यूटी यही करेगा। नाम क्या तुमने? ये आपको ध्यान रखना है, अनिल वर्मा। अनिल वर्मा, और ये 3 लड़के हैं, तीनों से ही लिए थे पैसे। तीनों लड़कों से पैसा लेता है 2500। और ये 3 साल से काम कर रहे हैं, इनकी वसूली 2500 की होगी पहले तो ये तीनों। या इसमें एक्शन अपना पक्ष पूरा मजबूती से रखा जाए थाने में। और ये तुम्हारे सब यही के सब में नॉलेज में रहता है। ये थोड़ा सा डांटिएगा तिवारी साहब, देखिए मेरा आपसे आग्रह है। 2,70,000। ओके।